भारत में इस वक्त एक देश एक चुनाव को लेकर अटकलों का दौर काफी तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति गठित की है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब मोदी सरकार ने 31 अगस्त को इस बात की जानकारी दी कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हालांकि सरकार ने सत्र के एजेंडा के बारे में खुलकर नहीं बताया, लेकिन इसे लेकर जो अटकलें लग रही हैं, उनमें से एक ये भी है कि इस सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल लाया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में फिलहाल एक देश एक चुनाव को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा।